हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम या फिर संख्या प्रणाली। ये मेनली एचपी जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके लिए हैं, और जो भी एग्ज़ाम जिसमें जो है मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमेशा ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हों। तो वीडियो एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्काई फैमिली के नाम से लिंक मिलेगा, तो वहाँ जाके आप मुझे देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम और हिंदी में हम बोल देते हैं इनको संख्या प्रणाली। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है वो हर जगह यूज़ हो रहे हैं, और हम डेली जो है इनका यूज़ करते हैं, चाहे किसी चीज़ का वेट करने में, लेंथ करने में, या गेम खेल रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम में मार्क्स आ रहे हैं, तो उनमें नंबरिंग ही चलती है, नंबर सिस्टम ही यूज़ होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है नेचुरल नंबर, या फिर इसको प्राकृत संख्याएं भी बोल देते हैं हिंदी में। तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर, जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नोट मैंने लिखा है, जीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब जीरो जो है प्राकृत संख्या नहीं है, आप जीरो को कैसे काउंट करोगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं, मतलब इनको आप काउंट कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब आपको ऊपर जो है लिखा होगा, या तो ऐसे लिखा होगा विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे 0 1 -1 ऑल ऑफ दीज ऐसे करके, या फिर ये पूछ लेते हैं विच इज़ नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे उसमें नेगेटिव इंटीजर वगैरह दे रखे होंगे या फिर वैल्यू दे रखी होगी, तो आपने वो बताना है कि इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा है। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे नेचुरल हुआ, प्राइम नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन दे रखी होंगी। तो मैं आपको बता दूँ, जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है। अब सेकंड है हमारा होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या है, मतलब ये है हमारा जितने भी नेचुरल नंबर हैं इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जब आपका जीरो को भी काउंट कर सके, मतलब जिसमें जीरो इंक्लूड हो गया उसको बोल देंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर में आप बिल्कुल भी मतलब जीरो का यूज़ नहीं होता है, जीरो है ही नहीं नेचुरल नंबर। जब आप जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे वो होल नंबर आ गए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो आ गए हमारे पास होल नंबर। तो अभी कुछ पूछ सकते हैं कि जीरो जो है होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो आपने बताना है ये होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है थर्ड वन, इंटीजर्स, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर बोल देते हैं, -3 -2, जैसे कि वैल्यू ये लिख रखी है। अब इसमें देखोगे, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। अब भाई, आपने कभी जीरो के साथ नेगेटिव साइन लिखा देखा है या फिर पॉजिटिव साइन लिखा देखा है? नहीं देखा है ना, तो ऑब्वियस है जो जीरो है ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही तो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जीरो जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये होल नंबर है। नेक्स्ट है इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ये तो मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, इवन नंबर को सम संख्याएं और ऑड नंबर को विषम संख्याएं बोलते हैं। इवन नंबर मतलब कि जो दो से डिवाइड हो जाएं, और जो दो से डिवाइड ना हो उनको ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे हमारे इवन नंबर आ जाते हैं, और ऑड नंबर हमारे आ जाते हैं 1 3 5 7 9, ये सारे आ जाते हैं हमारे ऑड नंबर में। अब नेक्स्ट करते हैं हम, अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पास प्राइम और कंपोजिट नंबर में ही पूछ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं,
तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। प्राइम नंबर को हम बोल देते हैं अभाज्य, जैसे कि नाम ही शो कर रहा है अभाज्य। अभाज्य मतलब जो कि मतलब विभाजित ना हो सके, उसको बोलते हैं अभाज्य। अब बे सभी संख्याएं जो वन तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब कि जो या तो खुद से या फिर एक से वन से डिवाइड हो, उनको हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। अब जैसे कि टू की बात कर लेते हैं, टू की बात कर लेते हैं, या तो ये एक से होगा या खुद से ही होगा, एक दूनी दो या दो एकम दो, ऐसे ही होगा। तीन की बात कर लो, ये भी ऐसे ही है, एक तीन या तीन एकम तीन, कैसे भी कर लो, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, ठीक है। तो ये है हमारे प्राइम नंबर, जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। अब नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि वन जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वन है ना, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, तो ये आपने जरूर याद रखना है, वन इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा आपने बताना है जो इवन प्राइम नंबर हो, ओनली इवन मतलब जितने भी इवन नंबर है ना आपके, उनमें सिर्फ दो ही एक ऐसा है जो सबसे छोटा और अकेला प्राइम नंबर है, और कोई भी जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं बोलती हूँ कोई भी और लेके देख लो आप, अगर मैं ले लेती हूँ इवन नंबर लेती हूँ, चलो इवन नंबर मैंने चार ले लिया, तो क्या सिर्फ ये एक और खुद से ही डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसको हम वन से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम फोर से भी कर सकते हैं, इसको आप टू से भी कर सकते हो, मतलब फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो टू जो है लीस्ट और ओनली इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट मूव करते हैं कंपोजिट नंबर के सर, कंपोजिट नंबर। अब जैसे कि नाम शो कर रहा है भाज्य, भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाते हैं, मतलब सिर्फ जिनका वन ही फैक्टर नहीं होता है, मीन्स नंबर अदर देन वन विच आर नॉट प्राइम, मतलब वन प्राइम नंबर कौन से थे, वन या इटसेल्फ वो प्राइम नंबर थे, अब उनको छोड़ के जितने भी हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, फोर हैं एट हैं सिक्स है, इनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मतलब सिंपल आप याद रख लो, जिनके फैक्टर सिर्फ वन और खुद का नंबर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिनके फैक्टर वन और खुद के नंबर को छोड़ के बहुत सारे फैक्टर्स हो जाए उनको हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। जैसे एट का फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो वन भी है, एट भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, इसको आप चार से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप दो से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप एक से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर आ गया। अब नोट इसमें लिखा है वन इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, इसके कोई और फैक्टर तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस है ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वन इज ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, या फिर विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वो आपको अभी बता दिया मैंने। नेक्स्ट है रेशनल नंबर, रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब जो डिवाइडेशन की फॉर्म में जो आप शो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 3/5, 4/9, 2/7, ये आगे आपके रेशनल नंबर। और इरेशनल होते हैं अपरिमेय संख्याएं, नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी डिवाइडेड बाई क्यू, तो आपने एग्जाम्पल देख लिए, इसके एग्जाम्पल ये हैं और इसके एग्जाम्पल ये हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गए हमारे इंटीजर्स हो गए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये पांच नंबर ऐसे हैं जिनमें से मैक्सिमम चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो ये बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे HPGK की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं HPGK के मेरी वीडियोस में से आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, और वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आपको जो हैं वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, HPGK की प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर पटवारी का भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम डेली जो है अब ये टॉपिक करेंगे, आज मैंने जो है आपको परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए और नंबर सिस्टम करवाए,
कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप टू को कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत सारा कुछ हम सीखेंगे उस वीडियो में, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक पेपर में वो पूछे जाते हैं। तो कल की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।